दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है सहारा श्री सुब्रत रॉय का तो निधन हो चुका है पिछले साल 14 नवंबर 2023 को ही। लेकिन अब उनके मरणोपरांत सहारा इंडिया कंपनी से जुड़े कुछ नए फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। इनके निधन के बाद शुरू में निवेशकों को ये लग रहा था कि क्या सहारा श्री सुब्रत रॉय के निधन के बाद डूब जाएगा निवेशकों का पैसा। ये सवाल करोड़ों निवेशकों की जुबान पर आज भी मंडरा रहा है। वजह ये कि अब एक के बाद एक कुछ नए खुलासे कुछ नए फ्रॉड सामने आ रहे हैं। देखिये हाल ही के कुछ ताजा अपडेट, सहारा इंडिया के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर ईडी ने सर्च किया और कर्मचारियों से जानकारी बिल्ली। ईडी कोलकाता यूनिट की ओर से ये सर्च कंडक्ट कराया गया और इस दौरान कर्मचारियों के फोन भी ले लिए गए। कोलकाता की चिटफंड कंपनी में कथित घोटालों के मामलों में ईडी की टीम सहारा इंडिया के कार्यालय में ये छापामारी की है और इस दौरान कई बड़े नए खुलासे सामने आए। देखिए आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहारा के ऑफिस से मिली लगभग 3 करोड़ रुपए की नकदी और इससे भी हैरानी की बात यह है कि 700 फर्जी कंपनियों के दस्तावेज भी मिले। क्या अभी भी सहारा इंडिया के अंदर कोई इंटरनली फ्रॉड चल रहा है? ये खबर देखकर आप भी चौंकने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, सहारा इंडिया ग्रुप की हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोलकाता और लखनऊ स्थित 6 ठिकानों पर बीते कुछ दिनों से जारी छापेमारी आखिरकार इस गए शुक्रवार को समाप्त हुई और इस दौरान राजधानी स्थित सहारा के कोऑपरेटिव ऑफिस से 2,98,00,000 रुपए की तो नकदी बरामद की गई और सहारा के अधिकारियों द्वारा दस्तावेज देने में आनाकानी करने पर ईडी की टीम ने करीब 12 कमरों के ताले तोड़े और उन कमरों के ताले और गेट तोड़ने के बाद कुछ गहन राज सामने आए। 700 फर्जी कंपनी से जुड़े दस्तावेजों को ईडी ने अपने कब्जे में लिया। ईडी की टीम ने सहारा के कपूरथला स्थित कार्यालय से भी 12 पेन ड्राइव में डिजिटल डेटा, कंप्यूटर की 20 से ज्यादा हार्ड डिस्क और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए। साथ ही तमाम चल अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें कई बेशकीमती भूखंडों की रजिस्ट्री के दस्तावेज भी शामिल हैं। इन संपत्तियों के मालिक के बारे में जब ईडी के अधिकारियों ने कर्मचारियों से जवाब तलब किया तो सहारा के पदाधिकारी कोई भी जवाब नहीं दे सके। शुरुआती 2 दिनों तक चले छापों के दौरान जाँच अधिकारियों का सहयोग नहीं करने पर गुरुवार देर रात दफ्तर के कई कमरों और केबिन के ताले तोड़कर वहां मौजूद दस्तावेज को कब्जे में लेना शुरू कर दिया ईडी ने। सूत्रों के माने तो ईडी द्वारा जल्द ही सोसाइटी और कंपनियों से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए कोलकाता भी तलब किया जाएगा, यानी वहां बुलाया जाएगा। तो एक तो अब ये नए फ्रॉड का खुलासा सामने आ रहा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार भी अब एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है और वो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सहारा श्री के घर पर चल सकता है बुलडोजर। 100 एकड़ जमीन की लीज भी कैंसिल की, एलडीए की बोर्ड में ये बड़ा फैसला लिया गया। लगभग ये तय हो चुका है कि लखनऊ में सहारा श्री के महल पर अब बुलडोजर चलेगा, क्योंकि 5 शर्तें पूरी नहीं करने पर 100 एकड़ लीज को भी कैंसिल कर दिया है। ग्रीन बेल्ट पर कब्जे की कहानी सुनकर भी आप चौंक जाओगे। एलडीए ने 29 साल पहले 5 शर्तों के साथ सहारा इंडिया को 100 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के लिए दिया था, ठीक है। लेकिन सहारा इंडिया ने इस जमीन पर डेवलपमेंट तो नहीं किया, उल्टा अपना कब्जा करके अपना घर बना लिया। सहारा श्री ने अपना महल खड़ा कर लिया, निवेशकों का ध्यान नहीं रखा, जबकि ये जो जमीन लीज पर दी गई थी ये सहारा इंडिया को ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट के लिए दी गई थी। जिन शर्तों के तहत इस जमीन की लीज का एग्रीमेंट हुआ था उन शर्तों का पालन नहीं किया गया। तो अब सहारा श्री तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद अब उनकी इस जमीन को भी लीज से कैंसिल कर दिया गया है और अब उनके जो ये महल की तस्वीरें आप देख पा रहे, इस महल पर भी बुलडोजर चल सकता है। ये 5 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं इन 5 शर्तों को जिन्हें पूरा नहीं किया गया सहारा इंडिया की तरफ से, और यही वजह है कि लीज कैंसिल की गई। 50 एकड़ जमीन पर नर्सरी डेवलप करना था, जॉगिंग ट्रैक बनाना था, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बनाना था, फुहारे लगाने थे और ग्रीन बेल्ट की विज्ञापन पट्टिका लगानी थी, लेकिन इनमें से कोई काम पूरा नहीं हुआ। ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के लिए जो जमीन दी गई थी उसके बारे में कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं। ये समझौता 1995 को हुआ था लखनऊ नगर निगम और सहारा इंडिया कंपनी के बीच, लेकिन इस समझौते के तहत कोई काम नहीं हो पाया, जबकि सहारा का महल खड़ा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं। और इस महल को अब बुलडोजर से ढहाया जा सकता है, क्योंकि योगी सरकार का बुलडोजर किसी को नहीं देखता है। और सहारा मामले पर एक और अपडेट आ रहा है। सहारा फ्रॉड मामले में पूर्व रीजनल मैनेजर को भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सहारा इंडिया धोखाधड़ी मामले में सहारा इंडिया के पूर्व रीजनल मैनेजर थे। कोतवाली पुलिस ने बिलासपुर से इन्हें गिरफ्तार किया। ये कई दिनों से फरार भी चल रहे थे, मतलब अरेस्ट वारंट था इनके खिलाफ पहले भी। तो अभी 2 दिन पहले सहारा इंडिया के पूर्व रीजनल मैनेजर को छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से ये गिरफ्तारी की गई। अभी भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सभी निवेशकों के दिल में जहन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है, वो ये दोस्तों कि सहारा निवेशकों का पैसा क्या उन्हें मिलेगा भी या नहीं, और अगर मिलेगा तो कब तक मिल पाएगा, क्योंकि पहले निवेशक लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे आ गए, नई सरकार भी बन गई और नई सरकार के बड़े फैसलों में और इस नई सरकार के जो चुनावी घोषणा पत्र थे उनमें कहीं भी हमें सहारा इंडिया के मामले से जुड़ा केस सोल्व हो ऐसी घोषणाएं देखने को नहीं मिली है। हालांकि आपको पता होगा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इसका एक पोर्टल भी लॉन्च किया था और पोर्टल के जरिए 10,000 रुपए के शुरुआती किस्त में पैसे देने की बात भी कही गई थी, लोगों के रजिस्ट्रेशन भी करवाए गए, लेकिन वो प्रोसेस में भी लोगों को कोई खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की भी प्रोसेस काफी धीमी चल रही है और उस पर भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज के काफी इश्यू आ रहे हैं।
लोगों को। अब दोस्तों एक ही जो आशा की किरण बची हुई है वो ये कि इसी महीने 23 जुलाई को बजट आने वाला है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार बजट के दौरान भी सहारा इंडिया के निवेशकों को राजी करने के लिए कुछ ऐसी घोषणा कर सकती है जिससे कि निवेशकों का पैसा उन्हें जल्द से जल्द मिल पाए। अब ये तो वक्त ही बताएगा, 23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट अनाउंस करेगी तो उस दौरान क्या क्या घोषणाएं देखने को मिलती है, वैसे बजट में क्या क्या संभावित घोषणाएं हो सकती है इसके रिगार्डिंग मैंने डीएलएस न्यूज पर पहले भी एक वीडियो बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। 23 जुलाई को बजट में ये 5 बड़े ऐलान हो सकते हैं, किसानों, युवाओं, महिलाओं समेत अलग अलग सेक्टर के लोगों के लिए सरकार ये 5 बड़े ऐलान कर सकती है। तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा और बाकी सहारा से जुड़ा कोई भी नेक्स्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।